हरदोई में डीएम पुलकित खरे ने जिला पूर्ति अधिकारी के ऑफिस में छापा मारा। दर्जनों शिकायतें मिलने के बाद की गई छापेमारी में डीएम श्री खरे ने बताया कि यह छापेमारी शासन की योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए की गई। छापेमारी की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। सीतापुर जिले के ग्राम पंचायत जगमालपुर में शौचालय का काम अधूरा पड़ा है, जबकि सरकार के ओडीएफ को 6 माह पूरे हो चुके हैं। गांव वालों ने प्रधान व उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये बताया कि 6 महीने पहले शौचालय बनाए गए थे और गांव का ओडीएफ भी हो गया है, लेकिन शौचालय अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी से लगाकर मुख्यमंत्री तक प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, फिर भी गांव वालों की कोई नहीं सुन रहा। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। ग्राम पंचायत कौन सी है? जगमालपुर। ये लैट्रीन है, इसमें कंडे भरे हैं, क्या मामला पूरा? तो जब गड्ढे ना खोदा तो वैसे पड़ी है, कबाड़ है, तो क्या करें? कब मिली थी लैट्रीन आपको? ये लैट्रीन से हो गए हैं लगभग 6 महीना। 6 महीना हो गए। कितना रुपया मिला था आपको? 12,000। 1,000 नहीं मिला था, 1 रुपया नहीं दिया था। तो ये बनी कैसे? ये बनी है, राज बनवाई ने, प्रधान हुई है कहीं नहीं, राज से नहीं, राज बनवाई ने। अच्छा अच्छा, तो इसका गड्ढा अभी तक नहीं बनवाया गया? कुछ नहीं गड्ढा, वो देखो पटा पड़ा है, जो दरवाजा भी टूटा है, मरम्मत इसकी नहीं हुई अभी तक कोई चीज नहीं। जब लैट्रीन बनी थी तो पूर्ण रूप से बनाई गई थी या आधी अधूरी छोड़ दी गई थी? अधूरी छोड़ देना बहुत कहें, तब जाकर इस पे वो स्लेब डाली नहीं है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो प्रधान से आपने शिकायत की तो क्या बात हुई? प्रधान कहें की बनवा देंगे, फिर बाद में कुछ नहीं, ग्राम पंचायत के भी संभर आए, वो भी नहीं बनवाई नहीं। अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? राम सिंह। तो मतलब काम करने का कोई उत्साह नहीं है, काम नहीं कर रहे, आधा अधूरा काम छोड़ रहे हैं? अधूरा सब काम छूटा है। जब उनसे कहते हैं तो किसी प्रकार की कोई बात कहते हैं या धमकी देते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं? जब हम कहते हैं तो वही राज जो बनवाए थे, प्रधान के रूप में जो कुछ कहना है तो कर लीजिए, हम कुछ नहीं ये बनवाएंगे। हाँ, कहीं जो कुछ इराज कहीं कि जो कुछ करना हो यहाँ से कहीं तक कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा क्या नाम है आपका? हमारा राजेश है। ग्राम पंचायत जगमालपुर, तहसील लहरपुर, जिला सीतापुर। दरवाजा विकास खंड लहरपुर की ग्राम पंचायत जगमालपुर में, जैसा कि आप द्वारा बताया गया है कि उसमें व्यापक तौर पर अनियमितताएँ की गई और लाभार्थियों से खलास का दोहन भी किया गया है। अगर यह स्थिति सही पाई गई तो इसकी मैं संबंधित विकास अधिकारी पंचायत से जांच करा रहा हूँ और संबंधित के खिलाफ चाहे वो प्रधान हो या सचिव ग्राम पंचायत हो कठोर कार्रवाई का आख्या। सर, ODF हो चुका है तो योगी जी का सपना कैसे ODF पूरा होगा? प्रत्येक बेनिफिशियरी के परिवार को शौचालय दिए जाने की व्यवस्था थी, यथासंभाव के बेस लाइन सर्वे 2012 के अनुसार हम लोगों ने लाभार्थियों के शौचालय निर्माण का कार्य कराया है। इसके बावजूद भी जो लाभार्थी छूट गए हैं तो LOB फेज 1 LOB फेज 2 के तहत ही लाभार्थियों को शौचालय की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर कुछ बेनिफिशियरी अब भी छूट गए हैं तो उन्हें यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज के अंतर्गत उन लाभार्थियों का चयन कर शौचालय प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ लोग हैं जो उनको धनराशि आधी मिली थी, से 5,000 बता रहे हैं, 5,000 उनको मिली थी, लेकिन अभी तक उनको पूरा पैसा नहीं मिला है और आधा काम अभी निर्माण नहीं हुआ है। अगर 6 महीने पहले हमारे आने के पूर्व ऐसा संज्ञान में आया है कि लाभार्थियों को 2 किस्तों में धनराशि दी गई, प्रथम किस्त 6,000, दूसरी किस्त 6,000। अगर उन्हें 1 किस्त की धनराशि प्राप्त हो गई और दूसरी किस्त की धनराशि नहीं दी गई तो इसे मैं सही करके उनके खाते में दूसरी किस्त की धनराशि सर अभी 6 महीने हो गए सर। प्रधान के पास जब वो लोग शिकायत लेकर जाते हैं तो प्रधान सीधे मना कर देता है कि आप लोगों को कोई धनराशि अब नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति नहीं है, प्रधान किसी भी धनराशि का कस्टोडियन है न कि मालिक, शासन धनराशि को मुक्त करता है और प्रधान किसी भी बेनिफिशियरी की धनराशि को रोक नहीं सकता। और अगर कोई ऐसी तथ्यात्मक जानकारी मिलती है कि प्रधान किसी भी लाभार्थी को धनराशि देने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जालौन में कुछ दिनों पूर्व कुछ लोगों के द्वारा एक महिला के साथ छीना झपटी की गई थी, जिसमें महिला के गले की चैन एवं मंगलसूत्र अभियुक्तों के द्वारा लूट लिया गया था। उरई पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कल देवनगर चौराहे के पास से 4 अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से लूटी गई गले की चेन एवं मंगलसूत्र बरामद कर लिया।
क्या नाम है तुम्हारा? विनय कुमार। क्या हुआ था मामला जरा बताओ। जी हम उरई जा रहे थे जी मतलब बोधपुरा के बीच है जो हनुमान मंदिर है उसके आसपास दो लड़के थे, उन्होंने मेरे दो आगे पीछे गाड़ी की जी। हमने की ये जालवान की है, मतलब हम चिंतित थे, हेलमेट लगाए थे। अच्छा, सो हमने की जी मतलब ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं। सो बगल से उसने गाड़ी निकाली तो इनके मतलब बाबा गले दोनों हाथ ऐसे दुपट्टा मारा, ये मंगलसूत्र खींच गया, लेकिन बैग खींचा तो उसी संग जी गिर पड़ी और बिच्छू हो गए, हमने देखने लगी। तो क्या बोलूँ, वो पहचान पाए? हाँ पहचान पाए, एक को पहचाना हमने, वो एक को पहचाना। तो आपने इस मामले में पुलिस में सूचना दी? दी। फिर क्या हुआ आगे? वो मतलब वो 100 नंबर बुलाई हमने पहले, 100 नंबर के बाद वो उन्होंने एक दरोगा जी गाड़ी आई थी उसके साथ, हम जो ड्यू वो लड़का ड्यू वाली एजेंसी पे काम करता था कैशियर वाला, पैसा इसे वगैरह लेता है उसी से हम चिंतित थे उसको। अच्छा, जो लुटेरा उसको उसकी पहचान है? हाँ जी, ड्राइवर चला रहा था उसकी पहचान है। अच्छा, जो बाइक सवार लुटेरे आए थे जो बस में बाइक चला रहा था उसकी पहचान है? उसकी पहचान है। क्या करता है वो? वो जी ड्यू वाली एजेंसी है पेप्सी के, मतलब जी तखिया रोड पे मार्केट वाली के लिए जी, जो ड्यू वाली पड़ती है उनकी, तो उसी पे वो पैसा वगैरह लेता है, कैश के काउंटर पे लड़ता है। क्या नाम बेटा आपका? आरती। क्या हुआ है आपके साथ जरा बताओ। रास्ते में जा रहे थे उरई हम जी, और पास से दो लड़कों की गाड़ी आई जी, उन्होंने एकदम झपटा से मारा तो मेरा पीछे से मंगलसूत्र खींचा और बैग भी मेरा खींचा, तो बैग मैंने छोड़ा नहीं जी, गिर गए हम। हाँ। पर मुझे कुछ होश नहीं कि कहाँ पे गिरे कहाँ। तो आपकी मंगलसूत्र ले गए और क्या ले गए? चेन, मंगलसूत्र और चेन ले गए। पूरा कितने लोग गिरफ्तार हुए? 24 तारीख को सायंकाल 4 बजे आरती नाम की लड़की अपने भाई के साथ जालौन से चली और उरई आ रही थी मोटरसाइकिल से। उस समय आशुतोष और शुभम गाड़ी चला रहा था। आशुतोष ये छिनैती करने में माहिर है, इसने उसका मंगलसूत्र छीन लिया और उसको घायल कर दिया, काफ़ी चोट आ गई थी लड़की को। इस घटना में के अनावरण के लिए अपनी टीम लगाई गई थी, उसमें ये दोनों लुटेरे मोटरसाइकिल के साथ और पूरे माल के साथ गिरफ्तार किए गए। इनके साथ दो लोग और हैं जो एक तो माल बेचने वाले और एक माल खरीदने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? कोई पहले भी ये घटना को अंजाम दे चुके हैं? पहली बार अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले का नहीं ज्ञात हो पाया है, पता किया जा रहा है इस बारे में। लेकिन जो इनकी कार्य पद्धति है और जिस तरह से साहसिक तौर पर दुसाहसिक रूप से इन्होंने कार्रवाई किया, उससे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इसके पहले भी घटनाएं जरूर की होंगी। ओके, थैंक यू। कानपुर में चचेरे भाई ने जमीन हत्याने के लिए भाई की डरा धमका कर नसबंदी करा दी, जिससे उसके औलाद पैदा ना हो सके। जब वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा तो जमीन खुद ब खुद उसके बेटों के हिस्से में आ जाएगी। इस मामले में पीड़ित की मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इस मामले की जाँच CO कल्याणपुर अजय कुमार को दी गई है। वहीं इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रावपुर गांव में युवक की नसबंदी का मामला सामने आया। उसके चचेरे भाई ने जमीन हथियारों को नसबंदी कर प्रकरण संज्ञान में आया है। माधुरी नाम की एक महिला ने कोई दरखास्त किया है वहाँ जन शिकायत रिपोर्ट मुख्यालय पर, उसकी जांच मिली है, जिसके संबंध में छानबीन की जाएगी। अभी मैंने उस प्रकरण को पूरी तरह से देखा नहीं, उसी गहराई से छानबीन जो उचित कार्रवाई होगी वैधानिक वो की जाएगी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए दो अधिकारियों के द्वारा मुरादाबाद की अच्छी रैंकिंग दिखाने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत मांगने की शिकायत GRP थाने में की गई, जिस पर दोनों रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी स्टेशनों का, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, उसके द्वारा सभी स्टेशनों का उनके रैंकिंग के लिए जो है सर्वेक्षण कराया जाता है। तो ये दो जो अभी आपके सामने पेश हुए थे अभियुक्त, इनका नाम एक का विजय तेम्बरे है और दूसरे का नाम रोहित पवार है, दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये इस टीम की तरफ से सदस्य बनकर के आए थे और 25 तारीख को आए थे और यहाँ पर एक CMI हैं श्री जितेंद्र सिंह, उनके उनसे इनके द्वारा मांग की गई
कि अगर आप मुझे 10,000 रुपये दोनों को दे देंगे तो आपकी मैं रैंकिंग अप कर दूँगा, जैसा कि वादी ने अपना तहरीर दिया है। उसके अनुसार फिर उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया, सीनियर ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रमाण इकट्ठा किए हों वो विवेचना का विषय है, बाद में आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया इनके ऊपर धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई पत्रित किया है और उनको समय से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके और नए विवरण भी भेजा गया। क्या बता रहे थे क्या अधिकारी जी क्या सर, ये जो इनसे जो आपकी बातचीत हुई, तो पहले भी कई स्टेशन के क्यूसी सर्वे करने के लिए गए थे, हम कई स्टेशन पे जा चुके हैं पहले सर्वे करने के लिए, सबसे पहले मुरादाबाद ही आए थे? नहीं, अभी तो हमें तो यही इतना ही जानकारी कि यहाँ आए, हम दूसरी जगह की बात जान नहीं पाए। हमें जो जानकारी है वो यही है, जो तहरीर मिली है वो ये कि यहाँ पर आकर के उन्होंने बताया और कहा कि इतना पैसा दीजिए। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई इस तरीके नहीं, नहीं ऐसा कोई, ये तो विवेचना का विषय है, फिर आप जिसकी इनकी कॉल डिटेल है, CDR है, जो भी है वो बात का है, अभी इस बारे में कुछ नहीं। ठीक है।